मौजूद हैं ओमप्रकाश। ओमप्रकाश 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन। ये साफ हो गया कि हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया है। ओमप्रकाश जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन का जो नाम है वो प्रस्तावित किया गया है। अब पूरा मामला जो है वो राजभवन के पाले में है। अब देखना होगा कि राज्यपाल किस तरह से इस पूरे मामले को पर निर्णय लेते हैं और कब चंपई सोरेन को यहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए जो वो है निमंत्रण देते हैं। पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार जेएमएम के कोटे में जो गठबंधन की सरकार है उसके पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं। सरकार बनाने को लेकर जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करते हुए नजर आ रही है, तो पूरी तरह से जो ये सरकार है वो स्थिर कही जा सकती है। अब इस पूरे विषय पर राज्यपाल को निर्णय लेना है कि वो किस तरह से निर्णय लेते हैं और कब सरकार जो नई सरकार है उसका गठन होता है, नए मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेते हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ से निकलकर जो मुख्यमंत्री है अपने आवास जाएंगे हेमंत सोरेन, वहाँ पर देखना होगा कि इस अब जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई है, क्योंकि अब वो एक मुख्यमंत्री नहीं रहे क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जो कवायदे हैं जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आगे चलती है और क्या कुछ जो है वो ईडी के द्वारा कार्रवाई जो है वो अब नजर आती है आधिकारिक रूप से। जी जी हाँ, तो 81 सीटों की असेंबली है, 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, इनमें 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 16 कांग्रेस के, ये 46 तो थे ही। वो अब कह रहे हैं कि स्पीकर भी जो हैं उनका भी एक एक जोड़ा जाए तो वो 47 मिला के इसी तरह से 47 बोल रहे हैं वो प्रकाश। जी जी बिल्कुल, जो उनके अभी वर्तमान में एक सीट जो है, अभी आंकड़ा जो है 81 विधायकों का भले है लेकिन जो एक विधायक है गांडे से विधायक सरफराज अहमद, उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ दिनों पूर्व ही दिया था और इस वजह से अभी जो स्ट्रेंथ है वो 80 की है। और जो बात की जा रही है कि 29 विधायक जो है वो जेएमएम कोटे के हैं, 16 विधायक जो हैं वो कांग्रेस कोटे से आते हैं, तो वहीं पर एक जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी इनके समर्थन में है, तो जाहिर तौर पर समर्थन का आंकड़ा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी एक जो सीट है वो भी खाली हो गया है, तो ये संख्या जो घटकर वो 79 पर आ चुकी है। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है, उस लिहाज से तो देखना होगा कि अब इस पूरे नहीं तो ओमप्रकाश क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है या सिर्फ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? सर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उनके द्वारा सिर्फ अपने विधायकी से अभी इस्तीफा नहीं दिया गया है। तो 80 सीट, इससे पहले जो गांडे विधायक थे उनके द्वारा एक सीट का इस्तीफा जो है वो पूर्व में दिया गया था ताकि दिसंबर के माह में, और उसे लेकर ही कहा जाए तो अब 80 का स्ट्रेंथ है झारखंड विधानसभा का। तो ऐसे में जो 80 में बहुमत का आंकड़ा, 80 में वो 47 का दावा कर रहे हैं, तो बहुमत का आंकड़ा उनका कहना है कि वो आराम से पार कर रहे हैं, लेकिन अभी गेंद तो राजभवन के ही पाले में मानी जाएगी ना? जी बिल्कुल, क्योंकि राजभवन के पाले में अब गेंद है, राजभवन को निर्णय लेना है, राज्यपाल को इस पर निर्णय लेना है। अब वो इस पर किस तरह से निर्णय लेते हैं और क्या कुछ इसके पर अपनी कब वो देखते हैं, तमाम चीज़ों को परखते हैं, कानूनविदों की भी सलाह लेंगे, उसके बाद ही तमाम निर्णय जो हैं वो सामने आएंगे। तो अभी पूरी तरह से जो गेंद है वो राजभवन के पाले में है, भले जो वर्तमान सत्ताधारी दल के विधायक और तमाम जो गठबंधन दल के नेता हैं उनका कहना हो बहुमत हो, लेकिन अब गेंद पूरी तरह से राजभवन के पाले में है और राजभवन को ही इस पर निर्णय लेना है। तो देखना होगा कि इस पर निर्णय कब तक आता है और कब नए सरकार का चयन होगा। चंद्रमोहन आप हमारे साथ बने हुए हैं, चंद्रमोहन ये बताइए कि क्या उधर बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, तो बीजेपी की तरफ से कुछ कोशिश की कुछ सुगबुगाहट है या कोशिश नहीं करेगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए अभी जो झारखंड में चल रहा है अस्थिरता का दौर है और ऐसे में जो बीजेपी के तमाम वरीय नेता हैं इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन अगर किसी तरह की पार्टी में फूट आती है जेएमएम पार्टी में, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई थी उसके बाद से ही उन्हीं के परिवार की सीता सोरेन ने विरोध कर दिया था। अभी वो दिल्ली में मौजूद थी, उनको रांची पहुंचना था लेकिन वो रांची अब तक नहीं पहुंच पाई हैं।
जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और उनको उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया था। ऐसे में अगर पारिवारिक कलह आगे बढ़ती है और ये सरकार नहीं बना पाते, क्योंकि चंपाई सोरेन अब नए मुख्यमंत्री होंगे ऐसा इन लोगों ने दावा पेश कर दिया है, लेकिन उससे पहले परिवार में ही कलह सामने आया था, और ऐसे आलम में अगर विधायक यहाँ से हटते तो हो सकता था कि बीजेपी आगे दावा ठोक सकती थी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी जो 47 विधायक हैं, इन लोगों ने अपना स्ट्रेंथ जो है वो राज्यपाल को दिखा दिया है। ऐसे में दूसरे तरफ बीजेपी के तरफ और उनके गठबंधन के पास इतना स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। ऐसे में अभी बीजेपी बैठकर सिर्फ यह आकलन करने में लगी है कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है, झारखंड में किस तरह से पहले एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और उसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद वहां से विधायक हुआ करते थे, आज से 1.5 महीना पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए हेमंत सोरेन ने दिलवाया क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि 6 महीने तक वक्त रहता है। अगर मुख्यमंत्री कोई बन जाता है, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचना होता है, और इसीलिए गांडेय विधानसभा क्षेत्र खाली कराया गया था। लेकिन परिवार में एकमत नहीं हो पाया और जो तमाम जेएमएम और सहयोगी पार्टी के विधायक हैं उनका भी एकमत नहीं आना, एक साथ नहीं आना, एक मंच पर नहीं आना, इसीलिए अब चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। दो मंत्रालय अभी उनके पास है, ठीक है, वो करीबी तो हैं, लेकिन वो अभी भी दावा 47 का है। देखिए 80 की भी अगर विधानसभा रहेगी, एक सीट अगर खाली भी है, 80 की भी विधानसभा की स्ट्रेंथ रहेगी तो भी 41 है बहुमत का आंकड़ा, 47 का दावा किया जा रहा है। सुनते हैं एक बार फिर वो दावा जो किया गया राजभवन से बाहर निकलकर। ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे, उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेप सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे, और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है, उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से जी हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिए हैं, और हम लोगों ने लेकर नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया है। समय नहीं दिया है, उन्होंने बोले कि हम देखेंगे आपको समय देंगे, नहीं शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है क्योंकि नहीं आप लोग दावा पेश किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए।